छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से माओवादियों के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और माओवादियों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान भी दिया गया है। आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 200 के पार पहुंच गया, जितनी संख्या में माओवादियों को मार गिराया गया है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ उनके गिरफ्तारी का आंकड़ा और उनके समर्पण का आंकड़ा भी लगभग 700 के आसपास है, गिरफ्तारी भी 700 और समर्पण भी 700। लेकिन अब केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी माओवादियों के ऊपर हमले बढ़ने लगे हैं और उन्हें एक बार फिर से बड़ा नुकसान अब महाराष्ट्र में पहुंचा गया है। क्या है पूरी जानकारी, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हालांकि घटना को 2 दिन हो गए और मैं चूंकि अभुजमाड़ गया हुआ था इसलिए इस घटना को बताने में 2 दिन की देरी है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण जानकारी है। मुझे लगा इस पर बातचीत हो जानी चाहिए, इसलिए हम 2 दिन बाद ही सही इस पर बातचीत कर रहे हैं कि अभुजमाड़ से लगे हुए इलाके में, भामरागढ़ के इलाके में बीते दिनों माओवादियों को घेर कर फिर से उनके ऊपर हमला किया गया और उन्हें उस इलाके में, महाराष्ट्र के उस इलाके में फंसाया गया जिस इलाके में माओवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित रहेंगे। दरअसल जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है उस इलाके में माओवादी अधिकतर जब भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती थी तो बॉर्डर पार करके कभी छत्तीसगढ़ आ जाते थे और जब छत्तीसगढ़ में दबाव होता था तब वो महाराष्ट्र में घुस जाया करते थे। भामरागढ़ का ये पूरा इलाका है जिस इलाके में मुठभेड़ हुई, पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है गढ़चिरौली पुलिस ने, जिसमें उन्होंने बताया कि 38 लाख रुपये के माओवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिला माओवादी शामिल हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इस पूरे मुठभेड़ में सबसे खास बात यह है कि 5 माओवादी जो मारे गए हैं, 38 लाख रुपए का इनाम है उनके ऊपर, और ये सभी जो माओवादी हैं उसमें अगर एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 4 छत्तीसगढ़ के बस्तर के ही निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग अलग इलाके के। अब आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के माओवादी भी वहाँ के दलम में किस तरह से सक्रिय थे और माओवादी अपने जो विस्तार दलम है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक MMC जोन जो छत्तीसगढ़ जो माओवादियों ने अपना नया तैयार किया था और उसकी कमान हालाँकि जो जिनकी मुठभेड़ में मौत हुई थी दीपक तेलतुम्बड़े उनके नेतृत्व में उस जो जोन है उसकी तैयारी की जा रही थी, उसका निर्माण किया जा था, MMC महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, और अब उस इलाके में बस्तर के अन्य और भी माओवादियों को वहां पर जाकर दलम के विस्तार की जिम्मेदारी मिली है। जो 5 माओवादी मारे गए उसको लेकर पुलिस ने जानकारी दी है। सबसे पहले इसमें 2 DVCM हैं जिन पर 16-16 लाख रुपये का इनाम था और 3 दलम सदस्य हैं जिनके ऊपर 2-2 लाख रुपये का इनाम था, और इस तरह से 38 लाख रुपये के इनामी 5 माओवादियों की मौत हुई। गढ़चिरौली पुलिस ने इसको लेकर कुछ फोटोग्राफ जारी किए जिसमें उनके द्वारा जो हथियार मुठभेड़ में बरामद किए गए थे वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि 16-16 लाख रुपए की इनामी माओवादियों को मारने के बाद घटनास्थल से कोई हाईटेक वेपन रिकवर नहीं किया जा सका है पुलिस के द्वारा, लेकिन इसके पहले जो जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं माओवादियों से मुठभेड़ के मामले में मैं अधिकतर देखा हूँ कि C-60 और तेलंगाना की जो ग्रेहाउंड फोर्स है हमेशा अटैकिंग मोड पर होती है और बहुत ज़्यादा सफलतम ऑपरेशन उनके द्वारा किए जाते हैं उन इलाकों में घुसकर, और बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ हमेशा C-60 और ग्रेहाउंड्स की फोर्स हमेशा अटैक। हालांकि अब छत्तीसगढ़ की जो DRG की फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड पर है, लेकिन इसके पहले जो बड़ी सफलताएं मिलती रही हूँ हमेशा ग्रेहाउंड्स और C-60 के द्वारा ही देखने को मिलती थी, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि उन्होंने 16-16 लाख के 2 इनामी माओवादियों को मार गिराने का दावा किया है, उनकी पूरी डिटेलिंग भी दी है, लेकिन हथियार के मामले में 303 सबसे बड़ा हथियार है और उसके बाद भरमार और देसी हथियार जो माओवादी राइफल तैयार करते हैं वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ एक हाईटेक वेपन का एक जो कारतूस का जो खोखा है वो ज़रूर साथ में बरामद किया गया है, लेकिन हथियार नहीं मिला है। इसके पीछे पुलिस का तर्क है कि उनके जो बाकी साथी थे वो अपने मारे गए साथियों के हाईटेक वेपन अपने साथ लेकर निकल जाने में सफल रहे। पुलिस ने इसको लेकर बताया है कि एक विश्वस्त सूचना के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था जिसमें C-60 और CRPF की टीम को संयुक्त तौर पर उस इलाके में भेजा गया और इलाके को पूरी तरह से घेराबंदी की गई। प्रेस नोट आप देख रहे हैं जो गढ़चिरौली पुलिस ने जारी किया, इसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का इलाका भी है और महाराष्ट्र के भामरागढ़ का इलाका है जिन्हों के बॉर्डर के इलाके में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो माओवादी मारे गए हैं
उसमें जो उनकी शिनाख्त हुई है DVCM की जया और भूरी पद्दा, जिनकी उम्र 31 साल थी और ये कांकेर जिले के पखांजूर की रहने वाली थी। इनके ऊपर 16 लाख रुपए का इनाम था और इनके ऊपर 31 मुठभेड़, 2-3 आगजनी और 4 हत्या और अन्य 11, कुल 49 अपराध दर्ज किए गए थे। साथ ही साथ एक और DVCM जिनकी मौत हुई, जो सावजी उर्फ अंकलू दसरू, ये गढ़चिरौली धनोरा के निवासी हैं। इनके ऊपर भी लगभग 54 मुठभेड़, आगजनी 38 और खून मतलब कि हत्या के 48 और अन्य 50, 226 मामले इनके ऊपर दर्ज किए गए। देवे हैं जो कि बस्तर एरिया की रहने वाली हैं, बसंत ये भी बस्तर एरिया की ही हैं, और साथ ही साथ जो सुखमती हैं ये भी बस्तर एरिया के अलग अलग इलाकों की रहवासी हैं, जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में माओवादियों के आने वाले जो विस्तार दलम है, जो उनके विस्तार करने का जो MMC जोन है उसकी भूमिका, उसको और बढ़ाने के लिए और उसे संयुक्त रूप से वहाँ के जो ऑपरेशन है, जो उनके द्वारा जो संचालन है संगठन का, उसकी जिम्मेदारी लेकर चल रही थी। अब इस इलाके को मैं आपको समझाऊँ तो बीते दिनों अगर आपको याद हो तो हम गमीड़ के इलाके में, हमने अबूझमाड़ के गमीड़ के इलाके में जाकर रिपोर्टिंग की थी, जहाँ पर लगभग 5-6 माओवादी को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया था और ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उन जो 5-6 लोग हैं, आंकड़ा 5 या 6 के आसपास था, उसमें केवल एक ही माओवादी था, बाकी ग्रामीण थे जो जंगलों में थे। और जब उस रिपोर्टिंग को करने हम गए हुए थे गमीड़ में, तो गमीड़ का जो इलाका पड़ता है, जो अबूझमाड़ के बहुत ही अंदरूनी इलाकों में स्थित है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर वहाँ के ग्रामीण जब भी उन्हें किसी बाजार जाना होता था तो उन्होंने बताया कि वो भामरागढ़ जाते हैं। ये वही भामरागढ़ है जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है। तो उससे आप समझिए कि अबूझमाड़ के उस इलाके के ग्रामीण भी महाराष्ट्र के भामरागढ़ में जाते हैं, तो वो इलाका कितना छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। और गमीड़ के इलाके में ग्रामीणों को सबसे सुलभ पहुँचने में वो इलाका है। तो आप उससे ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप मैप के सहारे, मैं रुद्र को बोलूँगा कि रुद्र मैप के हिसाब से भी समझाने की आपको कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से वो इलाका है। अब आप समझिए कि माओवादी बॉर्डर का इस्तेमाल कितना, उनको इस्तेमाल करने में कितनी सहूलियत होती है खुद को बचाने के लिए, कि बस्तर के ही माओवादी हैं लेकिन मारे कहाँ गए, महाराष्ट्र में, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं और वहाँ उनकी सक्रिय भूमिका भी रही है, सप्लाई टीम के सदस्य भी रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जैसा पहले भी पुलिस ने बताया और कई बार होता भी है कि महाराष्ट्र की पुलिस अगर इनके ऊपर दबाव डालेगी या इनको घेरने की कोशिश करेगी तो बहुत आसानी से ये सीमा पार करके छत्तीसगढ़ में चले आएंगे, और छत्तीसगढ़ की फोर्स अगर इन्हें घेरने की कोशिश करेगी तो ये बहुत आसानी से महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार फोर्स के लिए सीमा की बाध्यता भी होती है, लेकिन अब जिस तरह से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेट के तहत जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इसको लेकर बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बैठक की थी, और यही वजह है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को भी इस बैठक में सम्मिलित किया गया था, ताकि अलग अलग राज्यों के, इसके पहले अलग अलग जिले के जो अधिकारी होते थे वो अपनी फोर्स के साथ एक कॉम्बिंग ऑपरेशन किया करते थे, लेकिन इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के अधिकारी भी एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके ऑपरेशन करें, ताकि माओवादियों को ये जो बॉर्डर का जो फायदा है वो ना मिले, माओवादी ऐसा ना हो कि इस बॉर्डर से बॉर्डर पार करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जाए, तभी उन्हें घेर कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है या उन्हें कमजोर किया जा सकता है। मुझे लगता है इसी तरह की बैठकों के बाद इस तरह के फायदे मिल रहे हैं, और अब जबकि माओवादी अपने आप को जो केवल अबूझमाड़ में सुरक्षित महसूस करते थे और अबूझमाड़ में अब उनके ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बीते दिनों के उनके जो प्रेस नोट्स लगातार आ रहे हैं, जिस तरह से 38 माओवादियों के मारे जाने का खुलासा फिर से पुलिस ने किया और उसमें माओवादियों ने भी पत्र जारी करके बताया कि उनके साथी मारे गए हैं, तो और उन्होंने जिस तरह से बताया कि किस तरह से चारों तरफ से उनको घेरा गया और घेरने के बाद उनके पास निकलने का रास्ता नहीं रहा, अब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अबूझमाड़ में भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में वो अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे तो दूसरे स्टेट की फोर्स भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेट के तहत उन माओवादियों को घेरने की कोशिश कर रही है, और यही एक वजह है और यही इसका एक जो परिणाम है कि 5 माओवादियों को मार गिराकर एक सफलता मिली है, और इसमें हालांकि एक जवान भी घायल हुए हैं लेकिन हथियार छोटे जरूर वहां से बरामद किए गए, बड़े हथियार बरामद नहीं हुए। अब इसके पीछे की क्या कहानी है इस पर किसी ने जानकारी नहीं दी। पुलिस के एक अधिकारी ने अपना एक बयान रखा है, उस बयान को भी सुन लीजिए। और 23 C60 की टुकड़ियां और 2 क्विक एक्शन टीम CRPF की, ऐसी जॉइंट ऑपरेशन हमने लॉन्च की थी, और इस ऑपरेशन को लॉन्च करके 25 किलोमीटर के पैदल प्रवास के बाद हमारे लोग जब कोपरसी जंगल परिसर में
एरिया सर्च कर रहे थे तो उस समय माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी हमारे ऊपर शुरू कर दी। उसके बाद जब हम उनको फॉलो करते हुए आगे की तरफ गए तो नारायणपुर के एरिया में हमारी बड़ी मुठभेड़ दो ठिकान पे हुई और एक ठिकान पे, दोनों ही ठिकान पे हमें नक्सल साहित्य और लिटरेचर प्राप्त हुए हैं और एक ठिकान पे 8 घंटे की गोलीबारी के बाद वहाँ पे हमें 5 माओवादियों के मृतदेह मिले जिसमें से 2 पुरुष और 3 महिला माओवादियों का समावेश है। जो 5 माओवादियों के मृतदेह मिले उसमें 2 बड़े कैडर हैं, एक जया भूरीपदा जो डिविजनल कमेटी मेंबर कंपनी नंबर 10 की और कमांडर इन चीफ उत्तर गढ़चुली डिवीजन की थी, उसका मृतदेह हमें मिला है। एक साउजी तुलावी जो गोरेकसा धानोरा का रहने वाला है गढ़चुली का, वो डिविजनल कमेटी मेंबर गढ़चुली सप्लाई टीम का था, उसकी मृतदेह हमें प्राप्त हुई है। और 3 प्लेटून मेंबर देवे वी के बसंत और सुखमती मड़काम, ऐसे 3 प्लेटून मेंबर के मृतदेह का भी समावेश है। हमें इन 5ों के हथियार भी मिले हैं और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, दारूगोड़ा और नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है जिसमें पेन ड्राइव का भी समावेश है। इन सब की एनालिसिस की जा रही है। और अभी तो सुना आपने किस तरह से ये जो महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी, इन्होंने बताया कि किस तरह से मुठभेड़ हुई और किस तरह से उन्हें सफलता मिली। माओवादियों को लगातार छत्तीसगढ़ ही नहीं अब महाराष्ट्र और तेलंगाना के इलाके में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये इसका जीता जागता सबूत है। मुझे लगा कि इस पर भी जानकारी आपको देनी चाहिए कि कितने के इनामी माओवादी मारे गए हैं, कितना नुकसान माओवादियों को एक बार फिर से हुआ है, लगातार में संख्या में फिर से इजाफा हुआ है उनके नुकसान का, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा, पस्ते टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।